30 साल की खराबियां चंद माह में दूर नहीं हो सकती, अब काम करके दिखाने का वक्त है। वज़ीर आला पंजाब की वुज़रा को कारकर्दगी में बेहतरी लाने की हदायत, कहते हैं कि अस्पतालों, थानों और तरक्याती स्कीमों को खुद जाकर देखूंगा। काम करने वालों को सर आंखों पर बिठाएंगे, परफॉर्मेंस ना दिखाने वालों से बासपुर्स होगी। बहुत जल्द वो तब्दीली आएगी जिसका ख्वाब हम सब ने देखा। वज़ीर आला का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। इमरान खान को बताना होगा कि वो प्रॉपर्टीज क्यों छुपाई गईं। 50 चोरों को पकड़ने की बात वो करे जिसका अपना दामन साफ हो। मुझे इल्हाम नहीं होता, ख्वाब नहीं आते, लेकिन नियाजी साहब दोबारा कंटेनर्स पर चढ़ने वाले हैं। 5 माह में महंगाई का जो नजारा किया वो सब वाज़े हो गया। हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। खान साहब, आपको लिख कर देता हूँ कि आपसे हुकूमत नहीं चलेगी, जमहूरी निज़ाम तबाही की तरफ जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म की बहन की 2 जायदादें निकली हैं जिनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब भी वक्त है कि सोच विचार के बाद फैसले करें। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की गुफ्तगू, बोले कि मुझे खदशा है कि चोर के शोर में हुकूमत का अपना नुकसान ना हो जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा भी माइक पर आए और कहा, हुकूमत चोर चोर का शोर जरूर मचाए मगर मसाइल भी हल करे। पीपल्स पार्टी के लिए भी एक पाकिस्तान होना चाहिए। FBI की बड़ी कार्रवाई, PHA के अकाउंट्स मुंजमित कर दिए। अकाउंट से 4,81,30,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। PHA के जिम्मे विदहोल्डिंग टैक्स साल 2016, 17 और 18 वाजिब अदा था। और जाली बादशाह के जाली इंजेक्शन केस का फैसला आ गया। मुलजिम दिशान जावेद और बादशाह को 2.5 करोड़ जुर्माना। ड्रग कोर्ट ने 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी सुना दी। मुलजिम जाली इंजेक्शन समेत रंगे हाथों पकड़ा गया था। 2 नंबर बादशाह पिछले 2 साल से जेल में था।